नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार से दिल्ली जा रही ट्रेन को ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि अब ड्यूटी खत्म हो गई है, मेरे आराम करने का समय है, अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। पूरी खबर अगर आप सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये मामला जो है उस ट्रेन का है जो बिहार से दिल्ली के लिए चलती है, और बिहार से जैसे ही ये ट्रेन दिल्ली के लिए निकली, बीच रास्ते पर ही ड्राइवर ट्रैक पर रोक देता है और कहता है कि अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं आराम करूंगा। अब ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही ये खबर हमारे सामने आई हम भी हैरान हो गए। बिहार के सहरसा से मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेन अचानक यूपी के बुढ़वल जंक्शन के पास रुक जाती है। जब यात्री ड्राइवर से ट्रेन चलाने के लिए कहते हैं तो ड्राइवर कहता है अब मैं ये ट्रेन नहीं चलाऊंगा, आराम करने जा रहा हूं। यह सुनकर इंजन के पास खड़े यात्री सन्न रह जाते हैं। ट्रेन नंबर 04021 जो 27 नवंबर को सहरसा से चलकर मुजफ्फरपुर होते हुए दिल्ली जा रही थी, ट्रेन अपने निर्धारित समय से 27 घंटे देरी से चल रही थी। इस स्पेशल ट्रेन में मुजफ्फरपुर से भी बड़ी संख्या में यात्री रवाना हुए थे और इसी दौरान ये सब कुछ हो जाता है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ट्रेन 1:15 पर बुढ़वल जंक्शन के पास पहुंचती है। काफी देर तक जब ट्रेन नहीं खुलती तो यात्री ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। धीरे धीरे चारों ओर से यात्रियों ने इंजन को घेर लिया। बाद में ट्रेन के चालक को गेट खोलना पड़ा। यात्रियों ने जब सवाल किया तो जवाब यही मिला जो जवाब हम आपको बता रहे थे, अब ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, मेरे आराम करने का मामला है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। और ये कहते हुए ड्राइवर ने यात्रियों से अपना जवाब दे दिया। अब जब ड्राइवर ने ऐसा कहा तो इस स्थिति में वो तत्काल ट्रेन चलाकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इस दौरान यात्रियों और लोको पायलट के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। इस दौरान सभी कोच के यात्री ट्रेन से बाहर भी आए। इस कारण लगभग 4.5 घंटे तक ट्रेन बुढ़वल स्टेशन पर खड़ी रही, जिसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। अब यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए भी ये परेशानी शेयर की। सहरसा मानसी रेलखंड पर दर्जन भर ट्रेनें भी फंसी रही। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। ड्राइवर, ये ट्रेन तो सबसे पहली बात तो ये कि 27 घंटे देरी से चल रही थी, अब ड्राइवर को क्या परेशानी हुई? ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद भी अगर पायलट एक ही है ट्रेन में या फिर दो पायलट भी हैं, चलती ट्रेन को बीच रास्ते पर खड़ा कर देना और ये कहना कि अब हम आराम करेंगे, अब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये कहां से सही है? और यही सवाल जो है यात्री भी उठाने लगे। हालांकि ड्राइवर की अपनी परेशानी रही होगी, ज्यादा ड्यूटी किया होगा, ओवर ड्यूटी कर रहा होगा और कई घंटों से सोया नहीं होगा, जिस वजह से भी वो ये बातें कह रहा था। लेकिन ये खबर काफी चर्चा में है और काफी सुर्खियां बटोर रही है। बिहार से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन है उसकी यह घटना है और उसको यूपी के बुढ़वल में जब स्टेशन पर रोक दिया जाता है तो यात्री हंगामा करते हैं। 27 घंटे जो ट्रेन पहले से चल रही होती है वो 4.5 घंटे और वहां रुकती है, उसके बाद किसी प्रकार ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। अब ये घटना, इसके बाद कई सारी बातें निकलती हैं, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इंडियन रेलवे को लेकर भी सवाल है, भारतीय रेलवे की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। एक तो ट्रेनों को समय पर चलाने की बात कही जाती है, दावा किया जाता है, लेकिन 27 घंटे और 30 घंटे जो ट्रेनें लेट हो रही है, एक एक दिन का फासला हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि कुहासा भी एक कारण है, लेकिन शुरुआती ठंड के मौसम में कुहासा इतना भी प्रभावी नहीं है कि ट्रेनों को 30-30 घंटा लेट चलाना पड़े। अब ऐसे में ये खबर काफी चर्चा में है। बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन को जब ड्राइवर ने बीच में रोक करके ये कहा कि आराम करने जा रहा हूं, गाड़ी नहीं चलेगी, अब ड्यूटी खत्म हो गई है, उसके बाद खूब हंगामा हुआ। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।